सो अ कपल ऑफ डेज गो वी हैड सम फ्रेंड्स ओवर एंड यू नो हम बहुत सारी रैंडम चीज़ों की बात कर रहे थे सो दिस स्टोरी सॉर्ट ऑफ गेम अप एंड फिर आज जब मैं सोच रही थी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ या क्या शेयर करूँ सो आई थॉट मे बी आई विल शेयर दिस रियली इंटरेस्टिंग

to go up north टू uh, see Gilgit and Hunza and Skardu because मैं कभी भी उस साइड पर पहले नहीं गई थी मुजमिल हैड बिन देर बट आई हेड बिन देर सो आई थॉट चलो लेट्स डू दिस लेट्स टेक अ ट्रिप हम लोग कहीं गए भी नहीं हैं सो हमने जो है अपना ट्रिप प्लान किया टू गिलगित सो हम पहले गिलगित गए फिर हम हुंजा गए एंड देन वी डिसाइडेड कि हम बीच में एक या दो दिन वील गो टू स्कर्दू एज़ वेल अच्छा हम जिस तरह गए भी थे टू गिलगित इज़ वेरी फनी वेल नॉट फनी बट बेसिकली हम गिलगित गए थे ऑन द नेट को आई थिंक दैट्स वट इट्स कॉल्ड वो आपकी जो है लोकल इट्स बस द टेक्स यू देर सो दैट वॉज क्वाइट एन एडवेंचर बिकॉज वो रास्ता बहुत क्रेजी है और वो सफ़र बहुत लंबा है um, बहुत सारे घंटे और बहुत सारे अरसे के बाद हम वहाँ जाकर पहुँचे um and to gilgit and which was very nice really liked it loved Hunza. Um, but what happened in skardu is what was interesting so basically when we were going to skardu it's like six hours long and it's very very like scary ठीक है बहुत ज़्यादा वो हैं कर्व्स हैं टर्न्स हैं बहुत डेंजरस किस्म का रास्ता है आम, और मतलब लिटरली माउंटेन है और इतनी सी पतली सी ना रोड है जिसके ऊपर से आपने जाना होता है सम ऑफ यू में नो तो वो हम उसमें हमने जाना था बट उस पर आप जो है आई थिंक किसी रैंडम गाड़ी पे या एक्सपीरियंस ड्राइवर के बगैर शायद नहीं जा सकते जो भी था हम लोग वैसे भी अपनी गाड़ी तो लेके नहीं गए थे सो वी नीडेड समवन टू ट्रांसपोर्ट अस फ्रॉम गिलगित टू स्कर्दू सो वहाँ पर वो जीप्स होती हैं वो आपको लेके जाती हैं वहाँ पर लाइक यू कैन रेंट दैम सो वी रेंटेड अ जीप विच टुक अस फ्राम गिलगित टू स्कर्दू सो so, बहुत स्ेरी रास्ता था बट अलहमदिल्ला अच्छा सफ़र गुज़रा गुजरात देरस कर दो मिनट टाइम भी बहुत अच्छा गुजरा um, अब हमने आना था वापस ठीक है सो so, वापस आते हुए क्या हुआ कि देवर यू नो न्यूज़ इधर उधर से कि लैंड स्लाइडिंग हुई भी है लैंड स्लाइड हुई है तो हमारी वापसी में थोड़ा सा uh, डिले होगा हमने कहा अच्छा ठीक है आई वेज हमने अपना बंदोबस्त तो करना ही था लेकिन वेन वी ट्राई टू गेट रेंट अ कार फ्राम आर वे ऑन आर वे बैक फ्राम करदू टू गिलगित तो वो जो हमें रेंट पड़ा था ना जीप का वो पड़ा था अराउंड फोर्टी फाइव टू फिफ्टी थाउजेंड ओबियसली वी वर नॉट प्रपेयर फॉर देट दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी फॉर लाइक यू नो ट्रांसपोर्ट उससे तो सस्ता हमें कोई और यू नो टिकट पड़ जाए फ्रॉम पता नहीं कहाँ टू कहाँ सो इट वॉज जस्ट लाइक यू नो अ लॉट ऑफ मनी एंड वी कुडन अफोर्ड इट टू बी ऑनस्ट लाइक वी वर नॉट प्रपेयर टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस तो हमने क्या किया कि फिर हमने सोचा अच्छा हमने वापस तो जाना है तो हम क्या करें सो वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है कोई बात नहीं विल जस्ट टेक वन ऑफ द लोकल वैन टाइप नहीं होती बिल्कुल लोकल वैन आई वॉज़ फाइन विद दैट वी व लाइक ठीक है सो हम लोग जो हैं वो एक छोटे से स्टेशन पर चले गए जहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट वैन्स जो हैं देवर गोइंग टू हेयर एंडर हमें यहाँ पर एक छोटी सी बस मिली हम उसमें बैठ के एंड यू वॉन्ट बी सरप्राइज ओब्वियसली आई वॉज द ओनली वुमन इन दैट इंटायर थिंग बट आई वॉज विद माई हजबेंड एट लीस्ट तो इट वॉज फाइन प्लस ओबियसली वी वेरी ऑर्ड इन दैट सिचुएशन क्योंकि मैंने जो है वो Um, अपनी चप्पल uh, मैंने वो पहने हुए थे बिकॉज़ इट वॉज़ अ लॉन्ग ट्रैवल तो मैंने ज़्यादा बंद और मुश्किल जूते नहीं पहने हो, और मैंने कहा कि यार पूरा टाइम बैठना है तो वेयर समथिंग द आई कैन टेक ऑफ रास्ते में भी एज़ वेल ताकि मैं आराम से बैठ सकूँ um, तो मैंने यू नो आई अवॉइडेड दॉक्स एंड स्निकर्स और मैंने वो पहने थे अपनी माइकल कोर्स की वो क्रिस क्रॉस सैंडल uh, नहीं होती वो नॉट लाइक द फ्लिप फ्लॉप बट लाइक सैंडल जो जिसका पीछे से वो होता है वो पहनी हुई थी एंड uh, मैंने अपना जो मेरा हैंड बैग था वो भी यू नो हैंड बैग सा था वो नहीं था प्लस हमारा सारा सामान हमारे साथ था लाइक like, Um, जो क्योंकि ज़ाहिर है हम तो बहुत लंबे ट्रिप पे आए थे सो हम सारा कुछ जो उठा के लाए थे वो हम गिलगित से स्कर्दू तक भी लेके गए थे और फिर स्कर्दू से वापस लेकर जाना था बिकॉज um, हम जिस गेस्ट रूम में ठहरे थे एट वी वीड वांट के अच्छा हमें एक दिनों की कॉस्ट और पड़े तो हमने अपना सामान हम अपने साथ ले कर गए थे तो स्कर्दू खैर सो देर वॉज़ लाइक अ लॉट ऑफ स्टाफ माई हैंड बैग आई थिंक वी हैड बिकॉज ऑबियसली क्रिएटर सो वी हैड कैमरा इक्विपमेंट ट्राईपॉड अपनी पिक्चर्स भी तो हमने लेनी थी वो तो ट्राईपॉड से ही लेनी थी सो वो भी था फिर हमारे आ, दो सूट केसेस थे सो देर वॉज जस्ट अ लॉट वो भी बड़े बड़े अच्छा खैर जर्नी शुरू हुई आम, जा रहे हैं मज़े से जा रहे हैं आराम से काफ़ी देर तक लेकिन जो हमारा ड्राइवर था ना वो क्रेज़ीज़ की तरह चला रहा था लाइक इट वॉज इन नॉर्मल और वहाँ पे जो लोकल्स होते हैं वो थोड़ा क्रेजी ड्राइव करते हैं बिकॉज दे आर लाइक यूज़ टू सोर्ट ऑफ ड्राइविंग इन दीज प्लेसिज बट इट वॉज ऑलरेडी अ वेरी डेंजरस क्या कहते हैं क्या उसे कहते हैं रास्ता ठीक है सो इट वॉज़ जस्ट वेरी इट वॉज जस्ट मेकिंग इट लाइक टेन टाइम्स केरियर बिकॉज वो बहुत तेज़ और बहुत बुरी ड्राइविंग कर रहा था एंड इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ मुझे और मिजमिल को फील हुआ था लेकिन हमारे साथ जो लोकल्स भी ट्रेवल कर रहे थे ना वहाँ के इवन देवर लाइक यार ये नॉर्मल नहीं है ये बंदा बिल्कुल पागल है सो देवर लाइक सो दी स्टार्ट इट गेटिंग रियली नोट इज़ वेल एंड हमारे साथ कुछ अंकल थे देवर लाइक के पागल तो नहीं हो गए हो इतना तेज़ ना चलाओ आराम से चलाओ ये वो एवरीबडी का एप टेलिंग है बट जो हमारा ड्राइवर था ना वो थोड़ा सा ईगो वाला सा था ना थोड़ा सा थोड़े वो नहीं होते उस तरह के लोग कि नहीं किसी की नहीं सुननी अपनी करनी मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ टाइप उस तरह का था तो उसने किसी की नहीं सुनी खैर इतना वो तेज़ी से पटरा पत्थरों के ऊपर भी अजीब सी जगहों के ऊपर भी इवेंचुअली क्या हुआ कि कहीं ज़ोर से जाके गाड़ी लगी नीचे उसके नीचे कुछ लगा और उसके जो व्हील्स हैं उनका बैलेंस आउट हो गया एंड द गाड़ी वॉज कम्प्लीटली स्क्रूड ठीक है अच्छा अब हम मिडिल ऑफ नोवेयर में क्योंकि छोटे छोटे स्पॉट्स पे विलेजेस आते हैं रास्ता तो आपका बिल्कुल ब्लैंक होता, होता है एक साइड में माउंटेन होता है एक साइड पे रिवर होता है और वो ऐसे ही था और बीच में आपकी गाड़ी होती है सो so, अब um, जी हमें किसी तरह उस गाड़ी के अंदर बैठ के पहुँचना था टू द नेक्स्ट विलेज और यू नो एनी अब सॉर्ट ऑफ आबादी जहाँ पर हम इस गाड़ी का कुछ कर सकें अच्छा फिर क्या हुआ गए कहीं बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी चल 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 के कहीं पहुंची छोटी सी आबादी में हम सारे पैसेंजर्स को उतारा हम अपने हम और अपने सारे सामान चीज़ों के साथ ले रैंडम जगह पे उतर गए जहां हमने फिर वेट किया खैर काफ़ी देर वेट किया वेट किया बहुत और था मैं यू you नो know, बस हर कोई मुझे देख रहा और हम भी देख रहे कि यार ये क्या यू you नो know, ये फिट इन <laughs> यू नो ओबियसली लाइक द वे वी लोक ऑबली इट वेरी डिफरेंट खैर एनी वे हमें इतना उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा लाइक वी वर टुगेदर सो वी वर जस्ट डूइंग आर थिंग और बहुत मज़ा आ रहा था इवन दो ये हुआ था लाइक वी इन रियली केयर सम हाउ वी वर सुपर चिल लाइक वीर इन केयर खैर फिर वो ठीक हुआ फिर हम उस गाड़ी में दोबारा बैठे और हम दोबारा अपना सफ़र पर चल पड़े अच्छा अब हम जा रहे हैं जा रहे हैं तो काफ़ी जब हम थोड़ा आगे चले गए ना लाइक अराउंड थ्री आवर्स जब गुजर गए विच इज़ हाफ वे तो हमें लोगों ने कहना शुरू कर दिया उस तरफ से जो गाड़ी आ रही थी वो कह रही थी कि यार आप ना जाएं खबर मिल रही है कि आगे लैंडस्लाइड है ख़बर मिल रही है आगे लैंडस्लाइड है हमारा ड्राइवर कहे कोई बात नहीं होता कुछ नहीं होता मैं गुजार लूँगा ऊपर से छोटी सी कोई लैंड होगी मैं <laughs> कर लूँगा वट ठीक है एंड ही इज़ जस्ट लाइक टेकिंग अस एंड टेकिंग अस और हम भी कह रहे हैं कि पता कर लें पता कर लें अब उस रास्ते में कोई सिग्नल्स नहीं होते कोई भी लाइक like ज़ीरो तो आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते आप किसी से बात नहीं कर सकते आप यू आर बेसिकली वेरी डिसकनेक्टेड और आप चेक नहीं कर सकते कि व्हाट्स गोइंग ऑन सो बेसिकली यू आर जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक गोइंग एंड गोइंग और लोग आ रहे हैं कि ये खबर आ रही खबर आ रही आप मुड़ जाएँ हमारा ड्राइवर अगेन ना किसी की सुने ना किसी की माने और चले जाए चले जाए चले जाए अच्छा एक पॉइंट पे अब जब चार घंटे गुजर गए साढ़े चार और हम खुआर हो गए हैं एंड एट दिस पॉइंट द सन इज़ लाइक गोइंग डाउन ठीक है, like है? अंधेरा होने वाला है तब भी लोग आके कह रहे हैं वापस मुड़ जाएं अब वापस तो मुड़ नहीं सकते थे बिकॉज अब <laughs> वापस मुड़ने का मतलब है कि साढ़े चार घंटे वापस ट्रैवल करना विच वॉज नॉट पॉसिबल सो वी वर इन अ वेरी ऑर्ड सिचुएशन वे वी हैड नो आइडिया कि आगे क्या है बिकॉज पीपल आर वॉन्टिंग अस टू गो बैक एंड uh, पीछे क्या था कि um, और हम इतना पीछे वापस जा नहीं सकते थे एंड ऑब्वियसली द ड्राइवर वॉज एंट अग्रीग इट वॉज हिज़ मैन इट वॉज हिज जॉब यू सै दिस इज समथिंग आई कॉन्ट डू सो वी वर जस्ट टक एंड लाइक वी वर द लास्ट वांट्स टू मेक एनी डिसीजनज यू नो इन दैट बस आई थिंक हम पावर डाइनमिक में भी सबसे नीचे आते थे हु केयर अबाउट वॉट वी सेट टू बी ऑनेस्ट सो हम जी जा रहे हैं फिर क्या होता है कि एक पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो जाता है एंड uh, पता क्या चलता है कि आगे बहुत मेजर कोई लैंड है और सब लोग अब यहाँ रुक गए हैं एंड देर स्टेइंग इन कार्स एंड इन द होटल्स और वट अच्छा अब हम कह रहे हैं कि हम क्या करें आगे से अंधेरा हो रहा है हमारा ड्राइव बस ड्राइवर कह रहा है कि मैं जो हूँ मैं तो पता नहीं मेरा कुछ है यहाँ पे मैं तो वहाँ जा रहा हूँ तो मैं मैं तो वापस नहीं जा रहा आप लोग अपना सामान उतार लें और मैंने कॉल कर दिया और उस तरफ से लैंडस्लाइड की उस साइड पे जो हैं <laughs> मैंने एक बस मंगवा ली है अपने दोस्त से या किसी से कंपनी की दूसरी बस मंगवा है तो आप जो हैं क्रॉस करें और आप लोग चले जाएँ और हम बस मैम हम से हमले एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि अच्छा हो क्या रहा है अभी हम प्रोसेस ही कर रहे हैं अभी हम सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है व्हाट इज़ द नेक्स टेप पर गोइंग टू टेक हम यहाँ पे कोई होटल ढूंढें कुछ ढूंढें गाड़ी में रुकेंगे क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रही अब वहाँ पर ना कोई रहने की जगह ना हमारे पास कोई गाड़ी जिसमें हम रह सकें बाय द टाइम हम उस पॉइंट पर पहुँचे एंड वी वर जस्ट लाइक वट वी डू खैर जब हम उस पॉइंट पर पहुँचे हैं तो हमारे ड्राइवर ने हमें उतारा है और सारे पैसेंजर्स उतरे हैं और सबका सामान उतारना शुरू कर दिया और हमारा भी सामान उतर रहा है और हमारा सामान समेत लोग और हमारी बस के सारे लोग जी लैंडस्लाइड की तरह जा रहे हैं एंड माइंड यू अगेन इट्स गेटिंग डार्क और सिचुएशन क्या है ये माउंटेन है ये रोड है नीचे रिवर है ठीक है और वहाँ कोई लाइट्स नहीं होती रात को अंधेरा होता है लैंडस्लाइड में बड़े बड़े बोल्डर्स हैं बहुत बड़ी इस लैंड है पानी भी गिर रहा है उस लैंडस्लाइड में से उसमें पत्थर ही पत्थर हैं सो इट्स लाइक लैंडस्लाइड स्लाइड होती है, so like है कि ये आपका नॉर्मल पाथ जा रहा है बीच में पत्थर बजरी पानी गुजर रहा है और फिर आगे से रोड है सो दिस पैच इज जस्ट लाइक प्लेन माउंटेन एज इफ़ ठीक है <laughs> और आपने प्लेनली रॉकी माउंटेन एज इफ और आपने उसको क्रॉस करके जाना है मैं हम सब एक दूसरे के एन अगेन देट मी रिमाइंड आई एम वेयरिंग माय माइकल कॉर्स की वो जूती खैर ये लोग सब हमारा सामान लेके जा रहे हैं और हमें दो सेकंड भी नहीं दिए कि हम क्या करें खैर देवर बीइंग नाइस उन्होंने हमारा सारा सामान उठाया हमारा ट्राई हमारा वो हमें टेंशन भी हो रही है कि भाई रास्ते में या हमें कत्ल ना कर दें और हमारा सामान ना सारा ले जाए एंड सुपर डार्क गेटिंग सुपर गार्क नहीं हुए anyway, हमने एक लैंड क्रॉस की सो वी क्लाइम्ड अप and then we climb and we crossed the water and it was dark or हमने torch light में landslide पानी बहती हुई क्रॉस किए उसमें ये चीज़ ये सही था कि अगर आप गलत पत्थर पे पाँव रखते ना तो आप सीधा लैंड से नीचे पानी में जाते माउंटेन के नीचे पर हमने किया और हमारे साथ इन लोगों ने किया एंड दे एंड देर वेरी वेरी काइंड बहुत अच्छे लोग थे मतलब जो हम सोच रहे थे कि ये ना हमारा सामान लेके भाग जाएं कंप्लीट ऑपोजिट उन्होंने एक तो हमारा सारा सामान भी उठाया सो दे क्रॉस द लैंडस्लाइड्स विद ऑल आर स्टफ सो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं उन्होंने हमारा सामान इतने इतने बड़े सूट पकड़ के लैंड स्लाइड क्रॉस किया है विच इज़ इन ठीक है फिर उन्होंने हमें भी हेल्प की और क्रॉस कराया कम्प्लीटली डार्क ना हमें कुछ नज़र आ रहा था हमें सिर्फ नीचे रिवर की आवाज़ आ रही थी और हम टॉर्च स्लाइड से अपना और हम टॉर्च स्लाइड से अपना रास्ता देख रहे थे हमने एक लैंड स्लाइड क्रॉस की एंड दिस इज़ आर हनी मून फिर हमने दूसरी क्रॉस की फिर हमने तीसरी क्रॉस की फिर हमने चौथी क्रॉस की और हमने पाँच पाँच लैंड स्लाइड्स रात को अंधेरे में क्रॉस की इट टू कस मोर देन एन आवर ऑफ़ वॉकिंग एंड क्रॉसिंग दीज लैंड स्लाइड्स और फिर हम दूसरी साइड पे पहुँचे और वहाँ हमारे लिए एक बस थैंकफुली वेट कर रही थी सो दैट वॉज क्वाइट एन लाइक आई नेवर थाट दैट आइड एवर हैव दिस दर्ड एक्सपीरियंस इन माई एंटायर लाइफ एंड इट्स सो फनी कि इट वॉज़ अ लाइक वन आई थिंक अबाउट इट वॉज़ अ वेरी बिग डील बट उस वक्त वी वर सो लाइक

वो बहुत अच्छे थे दे आर वेरी मोटिवेटिंग वो कॉन्स्टेंटली चेयर क्लैप मोटिवेट कर रहे थे कि आप क्रॉस कर लो आपको हाथ दे रहे थे आपको हेल्प कर रहे थे हमारे लिए पाथ क्रिएट कर रहे थे हमारा सामान उन्होंने वो किया हुआ था एंड दे रियली लुक आफ्टर अस एंड दे देसाइड कि यू नो हम लोकल से हमारे साथ इसका हो चुका है एंड वी यू क्रॉस लैंड स्लाइड सो वर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे वर ट्रूली लाइक वाकई में दे वर कंसर्न अबाउट अस के यू you नो know, um, इन के साथ कुछ हो ना जाए एंड दे वर लुकिंग आफ्टर अस यू नो एज इफ दे वर द होस्ट एंड वी वर्द देर गेस्ट्स सो उन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया और ऑनियस्टली उन्हीं की वजह से कि हमने किया वरना हम ऑबियसली हमने खुद दोनों ने तो कभी ही करना ही नहीं था सो so, हाँ देट वॉज क्वाइट एन एडवेंचर ऑफ रीचिंग बैक टू गिलगित फ्राम्स करदू मभी भी हम कभी कभार इसके बारे में सोचते हैं और हम कहते हैं कि यार हमने क्या किया है और उसमें भी रास्ते में पता नहीं था कि अगली साइड पे हमारी वैन होगी या नहीं होगी या हम आगे से कैसे पहुंचेंगे बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज़ द लैक ऑफ सिग्नल्स कि अगर हम बिल्कुल अबैंडन हो जाते हैं हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमारा हम कुछ कर नहीं सकते उस बारे में मतलब रास्ते में इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर दोज पीपल टू थ्रो अस ऑफ द माउंटेन एंड टेक ऑल आर स्टाफ किसी को पता ही ना चलना था कि क्या हुआ कैसे हुआ हमारे साथ एंड इट वुड हैव बिन लाइक इट वुड हैव बिन सुपर ईजी बट यू नो गॉड वॉज काइंड टू अस and um, it was nothing short of a crazy adventure um, so yeah i just wanted to share this story with you <laughs> you know sort of like uh, i wanted to sort of change um the stuff we talk about and add more things to it. Like, I, I've decided, you know, I'm gonna start adding more storytelling, more recommendations, more reviews, so that it can be a bit more diverse and it can also be a bit more fun. एंड आई थिंक स्टोरीज़ सुनने का तो सबको ही मज़ा आता है सो आई एल बी डिगिंग अप मोर स्टोरीज फ्राम माई लाइफ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एंड प्लीज़ लीव योर कॉमेंट्स बिलो लेट मी नो वट यू थिंक अबाउट वॉट हैपन विद दस एंड आई सी यू गाइज अगेन नेक्स्ट टाइम डोंट फर्गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड टू इन टू माई पॉडकास्ट एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे अल्लाह हाफिज़